छठी कक्षा की विद्यार्थिनी हूँ। मैंने एक काव्य संग्रह लिखा है जिसका नाम है दो पल। यह काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इस काव्य संग्रह में 70 रचनाएं हैं। इन 70 रचनाओं में से 24 से 25 रचनाएं सामाजिक विषयों पर हैं। कहते हैं कि कविता बनने से पहले उसका चित्र इंसान के दिमाग में बनता है। इस एग्जीबिशन में 24 पेंटिंग्स हैं और इस पेंटिंग्स ये सारी पेंटिंग्स बेटी बचाओ, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, प्यारे बापू, सत्य, डाउरी, माँ का अचल जीवन क्या है, भ्रष्टाचार, इन सभी विषयों पर की गई।
लोग बेटी बचाओ के ऊपर एक आर्ट गैलरी का आयोजन किया, जिसमें हमें 30-35 स्कूलों व 15 के आसपास कॉलेजों से प्रतिसाद मिला है और वहाँ के बच्चों ने हमें पेंटिंग्स भेजे हैं। लगभग 350-400 के आसपास हमारे पास अब तक ड्राइंग आ चुके हैं और सभी बच्चों के लिए हमने सर्टिफिकेट और उन्हें कॉन्सोलेशन प्राइज की व्यवस्था की हुई है। उसके साथ साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले सभी बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे और सभी को स्टेज पे पुरस्कृत किया जाएगा। ये बेटी बचाओ कार्यक्रम हम लगभग कई सालों से कर रहे हैं, 4-5 वर्षों से कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुरक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे दो भागों में जो संचालित है, ऊंचा पद ऊंचा कद के अंतर्गत कन्याओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है और दूसरी ओर कन्या भ्रूण सुरक्षा का एक अभियान छेड़ा हुआ है। कन्याओं के सुरक्षा का एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम महिलाओं के ऊपर है और हमें समाज में ये चेतना जगानी है कि अगर हम कन्याओं की सुरक्षा पर ध्यान अगर आज नहीं दिया तो आने वाले देश की भविष्य खतरनाक हो जाएगा।